दोस्तों सरकारी लाभ चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो आपका राशन कार्ड में जितने भी सदस्य छूटे रहेंगे उनका नाम जरूर से जरूर ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक सदस्य का नाम पे 5 किलो की राशन कार्ड दिया जाता है। तो हम पूरी जानकारी बताते हैं कैसे कैसे सदस्य का नाम जुड़ा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है। पैसे की बात करते हैं तो पैसा का टेंशन मत लीजिए, आपका तकरीबन 100 रुपये तक में आपका एक व्यक्ति का नाम उसके अंडर ही जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलिए पूरा प्रोसेस बताते हैं। नंबर वन प्रोसेस, किसी भी यदि आपका जो भी 5 साल के ऊपर का बच्चे हैं, कोई भी बच्चा हो आपका 5 साल से ऊपर का है तो उसका नाम यदि जोड़वाना चाहते हैं, उसका नहीं जुड़ा है, या किसी का शादी हो गया उसका भी यूनिट, यानी किसी का भी यूनिट जुड़वाना चाहते हैं, उसका केवल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो और कुछ नहीं लगेगा, ओनली ओल आधार कार्ड लगेगा। अब क्या करना है, पूरा बात को ध्यान से समझिएगा। आपको आधार कार्ड लेकर आपके नज़दीकी जो भी CSC सेंटर या जनसेवा केंद्र होता है उनके पास जाना है। अब जाने के बाद एक ऑनलाइन पोर्टल होता है CSC के थ्रू, हम लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं, आपको बता रहे हैं। एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जिसमें जितने भी मतलब यूनिट बढ़ाना होता है उनका केवल आधार कार्ड लगता है और राशन कार्ड का नंबर लगता है। अब नंबर डोल मतलब ऐड कर ऑनलाइन करेक्शंस का ऑप्शन आता है, करेक्शंस में जाना पड़ता है और यूनिट पे जाना पड़ता है तो यूनिट शो करता है, हम लोग खुद करते हैं। उसके बाद वहाँ पर ऐड मेम्बर का ऑप्शन आता है, तो जितने भी व्यक्ति का नाम आप जुड़वाना चाहते हैं अपने फैमिली में केवल आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड की डाटा फिल होती है और वहाँ पर कार्ड दिखाया जाता है कि किस कार्ड से आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कारण आप कुछ भी दिखा सकते हैं, विस्थापित होने की दशा में या शादी होने की दशा में कुछ भी दिखा सकते हैं और उसे वहाँ से ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद वहाँ से तुरंत ही इसका जो है लाख का प्रोसेस भी आ जाता है। यदि आप नया राशन कार्ड बनवाएंगे तो 24 घंटे के बाद उसका जो है लाख का प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें तुरंत ही लाख का प्रोसेस भी हो जाता है और लाख के बाद तुरंत ही आपका रिसीविंग भी निकल जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी आपको दिया जाएगा निकाल कर कि ये आपका रसीद है, अब उस पर नाम भी ऐड हो गया होगा, लेकिन उसके द्वारा से आपको नहीं मिलेगा राशन कार्ड क्योंकि ऑनलाइन अभी ऐड नहीं हुआ है। तो उस रिसीविंग को जो ऑनलाइन हुआ है उसको लेकर आधार कार्ड का फ़ोटो स्टेट लेकर और राशन कार्ड का फ़ोटो स्टेट लेकर आपको नज़दीकी जो भी आपका ब्लॉक होता है वहाँ पर तहसील पर एक सप्लाई विभाग का यानी फूड विभाग का एक ऑफिस होता है, वहाँ पे कर्मचारी लोग बैठते हैं, वहीं से जब यहाँ पे ऑनलाइन होकर लाख होता है तो उनके पास जाकर पेंडिंग में हो जाता है। अब आपको आप ये मत समझ लीजिए कि बस हो गया, वहाँ पे पेंडिंग रहता है। वहाँ पे जाने के बाद वो जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे उनको ये फार्म देंगे, वो फार्म को देखेंगे कि हाँ आप पात्र हैं, आप ही का यूनिट है, तो आपको सिंपली आसानी से वहाँ से जैसे ही क्लिक कर ऐड करेंगे पैसा वहाँ पे नहीं लगेगा, जो भी ऑनलाइन का लगेगा 100 रुपये मात्र ऑनलाइन का चार्ज लगता है। वो जैसे ही क्लिक कर ऐड करेंगे तुरंत ही आपका नेट पर भी शो होने लगेगा। जब आप नेट पर चेक करेंगे कि राशन कार्ड कैसे देखा जाता है वो भी मैं बता दूंगा वीडियो में, वीडियो बना है मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, उस लिस्ट में आपका जो यूनिट था वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया होगा। तब जब बढ़ जाएगा तो आपको तुरंत ही उसकी रिसीविंग लेकर आप किसी भी जाएंगे जहाँ पे आप राशन लेते हैं वो आपको राशन देने लगेंगे और आप जो है लाभ उठा पाएंगे। ये पूरा प्रोसेस है, एक लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी ओरिजिनल लाइफ जानकारी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ।